Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वयं प्रभा में आप सबका स्वागत है मैं डॉक्टर कैलाश कुमार कुर्मी सहायक प्राध्यापक विधि विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय आज मैं कंपनी विधि के बारे में व्याख्यान लूँगा ये कंपनी विधि का पहला व्याख्यान है जिसमें कंपनी विधि की प्रस्तावना के बारे में हम बताएंगे जिस में इस व्याख्यान में निम्नलिखित उप विषयों को सम्मिलित किया गया है जिसमें हम कंपनी विधि का परिचय कि कंपनी क्या होती है कैसे बनती है कंपनी विधि का भारत में क्या विकास हुआ कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में बताएंगे और कंपनी का क्या अर्थ होगा उनकी क्या परिभाषाएं दी हुई हैं कंपनी की क्या विशेषताएं हैं साझेदारी एवं कंपनी के बीच में क्या अंतर है कंपनी के क्या प्रकार होते हैं कंपनी और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है कॉपरेट व्यक्तित्व या कॉपरेट पर्सनालिटी क्या है या जो लीगल एंटिटी होती है कॉपरेट एंटिटी उसमें उनके क्या असेंशियल्स हैं कैसे ये एंटिटी बनती है एक लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट बिल या कॉपरेट घूंघट उठाने का सिद्धांत जो है वो उसके बारे में बताएंगे और इससे संबंधित जो प्रमुख मामले हैं या केसेस हैं उनके बारे में कंपनी विधि के सारे नियम बताएंगे सबसे पहले जो है कंपनी विधि का परिचय जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी विधि जो है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है इसमें जो है गत दो शताब्दियों से विश्व में उत्पादन बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन में हुए अर्थात एक ओर तो औद्योगिक क्रांति हुई तथा तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रणाली का उद्गम हुआ इस प्रकार विश्व आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कैलेबर में परिवर्तित हो गया और कंपनियों का उद्गम हुआ इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परंतु ऐसा अनुमान है कि कंपनी का प्रादुर्भाव सबसे पहले इटली में बारहवीं शताब्दी में हुआ भारत में कंपनी संगठन का जो उद्गम हुआ जब जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने कंपनी जो है वो अपनी स्थापित की जिससे जो है जैसे ही ब्रिटिशर आए उनके आगमन के पश्चात जो है कंपनी विधि का विकास हुआ और सबसे पहले जो है कंपनी अधिनियम अठारह जो है वो पारित किया गया इसके पारित होने के बाद में कंपनी को एक अस्तित्व जो है वो दिया गया इसके बाद जो है वो औद्योगिक क्रांति हुई औद्योगिक क्रांति से भी कंपनी के जो उद्गम है वो महत्वपूर्ण है इससे जो उत्पादन या जो आवश्यक साधन है पूंजी का महत्व फार्म व्यवसायिक संस्थान लंबे समय तक पर्याप्त पूंजी जो उपलब्ध नहीं करा पाते थे उससे कंपनी जो है उद्गम हुई इन सभी व्यवसाय से संगठन के नए प्रारूप जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों से पर्याप्त पूंजी करा सकते थे उसके लिए हुआ अब ऐसे व्यक्ति कारणों से संस्था चलाने में असमर्थ थे इस कारण से कंपनी का जो है वो प्रभाव हुआ और इसमें जो है कि लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो व्यक्तियों की होती है और ये ऐसे व्यवसाय में अपनी बचत जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर में की हुई है वो कंपनी में निवेश करते हैं और एक सुरक्षित जो है वो अपना कंपनी में एक शेयर जो है वो देते हैं अब अपनी जो पूंजी लगाई हुई है व्यक्तियों ने उन पूंजी का विनियोग कंपनी में करते हैं इसके प्रारंभ स्वरूप जितना उनने विनियोग कंपनी में किया है सीएल लगाया हुआ है उससे कंपनी जो है वो स्थापित की जाती है तो इस तरह से ये कंपनी का जो है इंट्रोडक्शन है अब कंपनी लॉ का भारत में विकास कैसे हुआ आज के समय में कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो लागू है इसके पहले जो है 1956 का जो कंपनी अधिनियम था वो लागू किया गया था जिसका जैसे कि कंपनी कैसे उत्पन्न हुई कहाँ कंपनी एक्ट में संशोधन क्या हुए इनके बारे में हम इस लेक्चर में जानते हैं अब एक्ट की शुरुआत जो है वो 1850 में हुई थी जो कि ब्रिटिश कंपनी एक्ट को संशोधित करते हुए बनाई गई थी इसके बाद जो है 1844 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट जो है वो बोलते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बनाई जाती थी इसके बाद जो है 1850 से लेकर 1882 तक कंपनी एक्ट में कई संशोधन हुए और ब्रिटिशर्स ने जो है अब स्टैचू बना के और रूल्स रेगुलेशंस बना के इसमें संशोधन किए गए और सारी चीज़ों को कंपनी एक्ट्स के अंतर्गत जो है वो कवर किया गया अब इनमें भी बहुत सारे संशोधन हुए और उन्नीस में उन्नीस में कंपनी एक्ट को लागू किया नया एक्ट लागू किया गया जिसमें जो है बहुत सारे आस्पेक्ट जो है वो कवर करे गए इसके बाद जो है 19... तेरह में ब्रिटिश कंपनी एक्ट लागू किया गया इसके बाद जो है इसमें कई संशोधन किए गए 1900 जैसे कि 1914, 1915, 1920, 1926, 1930, 1932, 1936 इत्यादि संशोधन हुए इसमें अलग अलग चीज़ें जो वो कंपनी अधिनियम में लागू किए गए इसके बाद जैसे ही अपन भारत स्वतंत्र हुआ आज़ादी के बाद कंपनी एक्ट में संशोधन की जरूरत पड़ी और जो भारतीय परस्पेक्टिव है उसके अनुसार जो है कंपनी में एक्ट में संशोधन किए गए इसके लिए जो है भारत सरकार ने कमेटी जो है वो बनाई जिसमें जिसके जो चेयरमैन हैं वो सी एच भाभा थे इन्होंने जो है एक कमेटी की अध्यक्षता की और अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को भारतीय सरकार को सबमिट करी उन्नीस में जिसे जो है गवर्नमेंट ने स्वीकार किया उन्नीस में ये इस पर कंपनी अधिनियम पे बिल पारित किया गया और इसके बाद में जो है पार्लियामेंट ने इसमें बिल में संशोधन करती हुए और कमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन को मानती हुए 1955 में अधिनियम को पास किया गया जिसे प्रेसिडेंट की सहमति के बाद 1956 में कंपनी एक्ट पारित किया गया और अभी जो वर्तमान में जो कंपनी अधिनियम दो जो है वो लागू किया गया जिसमें जो है 470 धाराएं हैं और सेवन्थ शेड्यूल है तो इस अधिनियम को अभी जो अभी जो है इसको लागू किया गया इसके बाद कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बताएंगे। कंपनी अधिनियम 1956 को संशोधित कर, करते हुए 1913 में भारतीय संसद ने ये अधिनियम पारित किया गया जो ये कंपनी जो बिल है लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को पारित हुआ और 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दी इसके बाद जो है 30 अगस्त 2013 को ये विधेयक लिखा गया जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन जो किए गए जैसे कि पुराना जो कंपनी अधिनियम था उस कंपनी अधिनियम में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो था इसके बाद जो है इसमें संशोधन करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इस अधिनियम में जोड़ा गया इस अधिनियम को एक जून 2016 से लागू किया गया जिसमें जो है 470 धाराएं और सात शेड्यूल हैं कंपनी इसके बाद जो है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 जो है वो लागू किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट में 27 जुलाई 2017 को पारित हुआ और राज्यसभा में इसको पारित करने के बाद जो है इसको लागू किया गया जिसमें 92 टू हैं और उन्नीस जो तेरह का अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया इसके बाद जो है कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं है, जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी अधिनियम 13 की मुख्य विशेषताएं है, क्या हैं पहली जो विशेषता है इसकी कि जो डोरमेंट कंपनी है उनको जो है नया कंसेप्ट लाया गया कंपनी अधिनियम में और इसमें जो है डोरमैन कंपनी ऐसी कंपनियां हैं जो दो बज तक कारोबार से जुड़ी नहीं है तो उनको जो है जो कारोबार से जुड़ी नहीं है तो उनको हटाया गया और उनके जो लाइसेंस हैं या रजिस्ट्रेशन हैं उनको निरस्त किया गया इसके बाद जो इसकी दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल की शुरुआत की गई इसमें जो है जैसे जो पुराना कंपनी अधिनियम था उन्नीस का उसमें राष्ट्रीय कंपनी कोर्ट था जिसको हटाकर राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल की शुरुआत की गई इसके बाद जो तीसरी विशेषता है इसकी कि कंपनियों को सरकारी अनुमोदन आधारित शासन की बजाय स्वयं पारदर्शिता के आधार पर व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा देने में अनु और उनके अनुमोदन में छूट दी गई सरकार के द्वारा चौथी जो इसकी विशेषता है कंपनियों को अपने डाटा और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शुरू करना होगा पहले क्या होता था कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो शुरुआत रखते थे जिसके जो मेंटेन करना कठिन था इसीलिए जो है सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करते हुए ये बताया कि जो इनकी सूचनाएँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शुरू करनी होगी पाँचवीं जो इस अधिनियम की विशेषता है कि देश की सीमा के भीतर और बाहर यदि किसी कंपनी का मर्जर होता है एक्विजिशंस होता है तो ऐसी प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाना होगा और इस अधिनियम के अंतर्गत जो मर्जर और इक्विजीशंस की प्रोसीजर है पहले क्या होता था तो उन्नीस के जो अधिनियम था उसमें कंपनियों के मर्जर और इसमें एकवजिशंस में बहुत टाइम लगता था तो इसको जो है ख़त्म करते हुए उन्होंने बोला कि जो है वो जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी इनका निपटारा हो सके जो उनका मर्जर और इक्विजीशंस है तो ये इसकी पांचवी विशेषता है छठवीं जो विशेषता है इसकी कि जिन कंपनियों की शुद्ध संपत्ति एक करोड़ है या इससे कम है वह कंपनी के परिसमापक एक कंपनी के कामों को बंद करने में मदद करने वाले व्यक्ति को निर्णायक भूमिका का अधिकार होगा कि जहाँ जिनकी एक करोड़ से कम संपत्ति है तो वहाँ पे जो उसका लिक्विडेटर है या परिसमापक है वो उस कंपनी को जल्दी खत्म करेगा और ख़त्म करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा तीस की छठवीं विशेषता है इसके बाद जो कंपनी अधिनियम दो है उसमें एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा शुरू की गई एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा जो उन्नीस का जो अधिनियम था उसमें इसकी नहीं दी हुई थी तो ये ये जो है इसमें ये प्रावधान जो है वो जोड़े गए एक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक व्यक्ति जो है वो शुरू कर सकता है लेकिन इसके लिए जो है उसका एक नोमनी होना जो है वो, वो जरूरी है क्योंकि जब लिक्विडेशन होता है या बाइंडिंग अप होती है कंपनी की तो उस समय जो है उस व्यक्ति जो है वो उस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है ये इसकी सातवीं विशेषता है आठवीं विशेषता है कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की अवधारणा को शामिल किया गया पहले जो उन्नीस का अधिनियम था उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते थे अब जो उन्नीस का अधिनियम है इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो है वो सम्मिलित किया गया है जिसमें उन्हें बोला कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो कंपनी से हट के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें अपॉइंट किए जाएंगे इसकी जो नौवीं विशेषता है इस अधिनियम की कि कुछ विशिष्ट कंपनियों के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है जैसे 1956 जो था उसमें ये नेसेसरी नहीं था कि महिला जो निदेशक हैं वो नियुक्त हो सके लेकिन जो 1913 का जो अधिनियम है उसमें एक महिला जो डायरेक्टर जो है वो उसके लिए नेसेसरी है नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि कंपनी कोऑपरेट सी कि कंपनी जो है वो कॉपरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के नियमों के अंतर्गत आती है और ये कंपलसरी है कि जितने भी उनके कॉपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो उनको निभानी पड़ेंगी जैसे पर्यावरण में कोई क्षति पहुँचाते हैं या कोई और ऐसी चीज़ करते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है या किसी और चीज़ के लिए सॉयल के लिए उसके लिए तो कंपनी को जो है उसके लिए हर जाना देना होगा इन्वामेंट को क्षति होती है किसी चीज़ के लिए तो ये जो है वो सी एस आर कंपनी कॉपरेट सामाजिक जिम्मेदारी को इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया है इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि अब कंपनियों को यह बताना होगा कि कंपनी में कौन प्रबंधक है और कौन कंपनी का प्रमोटर है पहले क्या होता था कि उन्नीस में वही प्रमोटर होते थे वही डायरेक्टर होते थे और वही मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे तो यहाँ जो है इस अधिनियम में क्लियर प्रावधान दिए गए हैं कि कंपनी के, के प्रबंधक कौन होंगे और कंपनी के प्रमोटर कौन होंगे ये आपको बताना होगा जब रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का उसमें तो ये इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है कि निदेशक की कंपनियों के शेयर धारकों कर्मचारियों समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है कि शेयर धारक कौन होंगे कर्मचारी एम्प्लॉय कौन होंगे कंपनी के और पर्यावरण के प्रति उनकी कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी तो इसको परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में इसके बाद जो है सूचीबद्ध कंपनियों को छोटे शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाला निदेशक नियुक्त करना आवश्यक है कि जैसे जो छो, छोटे छोटे कंपनी के डायरेक्टर हैं तो वो उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं तो ये कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य जो विशेषताएं हैं जो इसमें दी हुई हैं इसके बाद जो है इसमें और विशेषताएँ दी हुई हैं जैसे कंपनी अधिनियम तेरह ने यह कह दिया कि व्यक्ति जो है वो अधिकतम 20 कंपनियों का ही निदेशक हो सकता है इसमें क्या था कि उन्नीस के पहले जो कंपनी थी उसमें ऐसा प्रावधान जो है वो नहीं था अब जो है वो अधिकतम बीस कंपनियों का निदेशक जो है वो हो सकता है कोई सार्वजनिक कंपनी है तो वो दस कंपनियों का निदेशक हो सकता है इसके बाद जो पहले कोर्ट को पावर्स दिए होते थे वो अब जो है वो ट्रिब्यूनल्स को पावर दिए कि कंपनी के जब बाइंडिंग अप होगा तो वो कैसे होगा तो वो ट्रिब्यूनल्स को जो है वो पावर्स दिए गए हैं इसके बाद जो है वो ट्रिब्यूनल्स को पावर दिए हैं कि वो उसकी कंपनियों की जांच करे या इंस्पेक्शंस करे या उनकी बाइंडिंग अप करे तो ये सारे जो अधिकार जो है वो दो हजार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं इसके बाद जो है कोई बड़ी कंपनी है उनके आंतरिक लेखों का निरीक्षण जो है वो करवा सकते हैं अपना इंटरनल जो है वो इंस्पेक्शंस करा सकते हैं तो ये प्रावधान जो है वो इस कंपनी अधिनियम में दिए गए हैं तो ये कंपनी अधिनियम 2013 की कुछ विशेषताएं अब जो है वो मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि कंपनी का जो मीनिंग क्या होता है अर्थ क्या है कंपनी का तो कंपनी जो है अंग्रेजी के दो शब्दों से बना हुआ है या जो अंग्रेजी शब्द है कंपनी उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है कम प्लस पैनेिस कम का मतलब होता है कि टुगेदर या साथ-साथ और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड या रोटी पहले प्रारंभ में कंपनी से आसे ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो खाना जो है वो एक साथ खाते थे इन्होंने जो है अल्फ्रेड पाल्मर ने इसको परिभाषित किया है जिसमें बोला है कि प्राचीन समय में जो व्यापारी वर्ग थे वो इकट्ठा होकर खाना खाते थे और उसमें जो अपने व्यावसायिक मुद्दे जो है वो डिस्कस करते थे तो उसको जो है इसमें इससे संबंधित किया गया है कि जैसे वो अपने व्यापारिक मुद्दे जो है वो डिस्कस करते थे इससे जो है वो कंपनी विधि की उत्पत्ति हुई है इससे उसका रिलेशन्स है तो धीरे धीरे जो है ऐसे व्यापारी अपना एक संघ बनाते गए एसोसिएशन्स बनाते गए जो अपनी संयुक्त पूंजी जो है वो उसमें निवेश करें उसके उद्देश्य से जो निवेश जो है वो किया जा सके तो ये जो है इसका एक कंपनी का शाब्दिक अर्थ है कि कंपनी जो है वो जो है कंपनी की कुछ परिभाषाएं जो है वो दी हुई है कि भारत में कंपनी अधिनियम 2013 की जो कंपनी अधिनियम की धारा दो बीस में परिभाषित किया गया है जिसमें कंपनी को बताया गया कि कंपनी ऐसी है कि जो किसी भी पुराने अधिनियम या जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार रजिस्टर्ड हुई है तो वो कंपनी होगी अब इस अधिनियम या अन्य पिछले कंपनी अधिनियम के तहत निगमित या पंजीकृत हो उसे कंपनी कहा जाएगा अब कंपनी विधि के अनुसार कंपनी एक अपने को एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति मानती है जिसे अपन कॉपरेट एंटिटी बोलते हैं या लीगल एंटिटी बोलते हैं जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा या स्वतंत्र एंटिटी होगी उसका एक खुद का एक कॉमन सील होगा या डिफरेंट अस्तित्व होगा अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जैसे कंपनी लॉ शब्द को उसके अनुसार कि कंपनी ऐसी मानी जाएगी जिसका एक वैध व्यवसाय करने के लिए कुछ वाणिज्यिक या उद्योग उपकरणों द्वारा एकजुट कुछ सामान्यतों वाले लोगों की एक निश्चित संख्या का स्वैच्छिक संघ है मीन्स के ऐसे व्यक्ति जो विधिक व्यवसाय करते हों और जिनकी एक कॉमन पूंजी हो और जो एक निश्चित संख्या में वो अपने जो सामान्य उद्देश्य हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए हों इसके बाद जो है अगली जो परिभाषा है वो जस्टिस जेम्स के अनुसार दी हुई है जस्टिस जेम्स के अनुसार कि एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी कॉमन उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ये कुछ कंपनी की परिभाषाएं दी हुई हैं इस तरह से इन परिभाषाओं के आधार से हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसका एक डिफरेंट या अलग अस्तित्व होता है जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका अलग अस्तित्व है जो मेंबर्स जो कंपनी है उसका अलग अस्तित्व है और इसमें जो है कंपनी का एक डिफरेंट लीगल एंटिटी होती है और जिसकी एक जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने एक शेयर जो है उस कंपनी में लगाया होता है जिसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको कंपनी कहते हैं तो ये कुछ परिभाषाएँ जो है वो कंपनी अधिनियम में दी हुई है अब बहुत सारे जो जुरुस्ट हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है अब जो है कंपनी की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी की क्या विशेषताएं हैं कंपनी की निम्न हैं सबसे पहले जो है वो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है कृत्रिम व्यक्ति मीन्स कि जिसको विधि ने क्रिएट किया है या लॉ ने क्रिएट किया हुआ है और जो आदेश है गैर जीवित है तथा इसके प्राकृतिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं जैसे भूख प्यास विवाह काम का अभाव ये इसमें नहीं पाया जाता इस तरह से कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है जिसको जो है वो विधि ने बनाया है या लॉ ने जो है वो बनाया है और लॉ ही जो है इसको समाप्त करती तो ये कंपनी विधि की पहली विशेषता है कि ये कृत्रिम व्यक्ति है जैसे जो नेचुरल व्यक्ति होते हैं उनसे इसका अलग अस्तित्व होता है दूसरी जो विशेषता है कि यह स्वतंत्र निगमी अस्तित्व होता है इस कंपनी का कि कंपनी जो है वो कॉपरेट एंटिटी है कंपनी का स्वदम स्वतंत्र निश्चित अस्तित्व होता है इसका अपने जो सदस्य होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं लाइक जी शेयर होल्डर डिबेंचर्स इनसे जो है इसका अलग अस्तित्व होता है और कंपनी की जो संपत्ति उसके अंशधारियों की अलग होती है और कंपनी की जो है वो अलग होती है इसीलिए जो है वो एक स्वतंत्र निगमित अस्तित्व होता है और कंपनी की संपत्ति का उपयोग कंपनी के हित में होना चाहिए ना कि जो उसके मेंबर्स हैं है, या अंशदारी हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों में हो तो ये दूसरी विशेषता है कि स्वतंत्र निगमी अस्तित्व कंपनी का होता है तीसरी जो कंपनी की विशेषता है कि शाश्वत उत्तराधिकार होता है कंपनी का कि एक कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है तथा उसका समापन भी कानून द्वारा होता है अब कंपनी का जीवन उसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता कि जैसे ही कोई कंपनी बनी है और उसके कोई शेयर होल्डर्स जो है उन डाइड हो गई है तो वो कंपनी जो है वो बनी रहेगी उनके जो मेंबर्स हैं उनके मरने से इसका कोई वो नहीं है इसीलिए जो है इसका परपिचुअल सक्सेसेंस होता है या शाश्वत उत्तराधिकार होता है कंपनी जो है वो विधि के द्वारा ही बनाई जाती है और विधि के द्वारा ही समाप्त होती है तो ये कंपनी की तीसरी विशेषता है चौथी विशेषता है सार्वमुद्रा मीन्स कॉमन सील कि एक कंपनी एक कृतम व्यक्ति है तथा वह संविदा कर सकती है कंपनी जो है वो अपने खुद के नाम से किसी अन्य व्यक्ति से क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्टर से या किसी अन्य आउटसाइडर से जो है वो कांटेक्ट कर सकती है अपने खुद के नाम से जिसकी एक कॉमन सील होती है परंतु इसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता ये जो है वो एक आर्टिफिशियल कंपनी होती है और इसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता और ना ही कोई ऐसे व्यक्तिगत अस्तित्व होता है जैसे उसका होता है और इसका कॉमन सील होता है और वो उस कंपनी के उस कॉमन सील में उस हस्ताक्षर करने के उपयोग में या किसी अन्य उपयोग में जो है उसकी कॉमन सील को यूज़ किया जाता है इसके बाद जो है इसकी चौथी विशेषता है कि लिमिटेड दायित्व तो होता है इसमें जो मेंबर्स हैं कंपनी के उन कंपनियों का लिमिटेड दायित्व होता है मीन सीमित दायित्व अब ये जो लिमिटेड दायित्व है वो दो प्रकार से हो सकता है एक तो अंशों द्वारा एक जो उन्होंने गारंटी दी है कंपनी को उनके द्वारा जो है उनका दायित्व होता है तो इसमें जो मेंबर्स हैं जिनने अपना पूंजी इन्वेस्ट किया है कंपनी में तो जिनने जितना उनका सीएस लगा है कंपनी में वो केवल उतना ही शेयर्स के लिए वो कंपनी के प्रति दायित्व होंगे या जो आउटसाइडर हैं उनके प्रति दायी होंगे तो ये सीमित लाइबिलिटीज जो है वो होती है अब जैसे क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है मींस जो उनके पर्सनल असेट्स हैं उनसे भी उनका अमाउंट या जो उनकी लाइबिलिटीज़ है वो रिकवर कर सकते हैं लेकिन कंपनी के क्षेत्र में ऐसा नहीं होते या कंपनी के इसमें ऐसा नहीं होता इसमें जितना उन्होंने शेयर इन्वेस्ट करा है उन शेयर के बेसिस पे उनकी लाइबिलिटीज जो है वो डिटरमाइन की होगी मींस दो, दो रुपये जो है कंपनी में लगाए तो कबल आपकी दो रुपये तक की लाइबिलिटीज़ है या जो गारंटी दी है आपने कंपनी को तो उतनी तक की गारंटी तो कंपनी का जो है वो इसमें कंपनी में सीमित दायित्व होता है अगली जो विशेषता है अंशों का हस्तांतरण इसमें क्या होता है कि जैसे कोई शेयर होल्डर है शेयर होल्डर्स ने जो अपने शेयर्स लिए हुए हैं अब जैसे कोई पब्लिक कंपनी है पब्लिक कंपनी के कोई शेयर्स हैं तो वो अपने शेयर्स जो है वो इजीली जो है वो उनको ट्रांसफर कर सकते हैं जो उनके आउटसाइडर रिलेटिव हैं या किसी और को तो ये जो है कंपनी की एक विशेषता है कि जो शेयर्स हैं वो इजीली जो है वो उनको ट्रांसफ़र हो सकते हैं नेक्स्ट जो विशेषता है कंपनी की कि उसकी जो है वो सेपरेट संपत्ति होती है या सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कि जो मेम्बर्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है और जो कंपनी है उसकी खुद की जो है वो प्रॉपर्टी होती है और कंपनी अपने नाम से वो प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर सकती है बेच सकती है तो ये कंपनी का की विशेषता है कि वो अपने आप नाम से कंपनी क्रय कर सकती है विक्रय कर सकती है और कंपनी जो है अपनी संपत्ति को बेच सकती है मॉर्गेज कर सकती है सेल कर सकती है लीज कर सकती है इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है कंपनी की कि बात करने का अधिकार है कोई भी व्यक्ति जो है वो कंपनी के खिलाफ बात कर सकता है और कंपनी जो है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में बात कर सकती है तो ये कंपनी की एक विशेषता है कि कंपनी एक कॉपरेट एंटिटी है या लीगल एंटिटी है तो इसके बेसिस पे कंपनी जो है वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में बात ला सकती है और कंपनी के अगेंस्ट में बाद लाया जा सकता है क्योंकि सपोज कोई ऐसी हैपनिंग हुई है कंपनी के अगेंस्ट में तो कंपनी जो है वो जिसने उसकी सेयर्स या किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाया तो वो जो है कंपनी अपने नाम से जो है वो बात दायर कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट में किसी या कंपनी के द्वारा किसी जो आउटसाइडर है या मेंबर्स हैं उनको कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं तो कंपनी के अगेंस्ट में भी बात किया जा सकता है तो ये कंपनी की विशेषता है कि कंपनी जो है वो शू कर सकती है और उसके अगेंस्ट में कोई बाद लाया जा सकता है नेक्स्ट जो विशेषता है पैसे भर प्रबंध कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा कि कंपनी एक संगठित या एसोसिएशन है और इसमें जो है वो एक मैनेजरियल स्टॉप होता है जिसके द्वारा जो है वो पूरी कंपनी जो है वो चलाई जाती है और इनके द्वारा जो है वो पेशेवर प्रबंधन जो जैसे कि अकाउंटेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट है मैनेजर हैं डायरेक्टर हैं तो ये जो है वो प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा इसको चलाया जाता है तो ये कुछ कंपनी की विशेषताएं हैं जो इसमें दी हुई है इसके बाद जो है डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी में क्या डिफरेंस है सबसे पहले जो है अपन ने कंपनी के बारे में डिस्कस कर कि कंपनी जो है वो एक ऐसा संघ है या एसोसिएशंस है जिसमें जो है वो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाते हैं और उनका एक सीमित दायित्व होता है ठीक है और पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो जैसे सपोज़ दो व्यक्ति उन्होंने मिलके एक कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाई अब पार्टनरशिप फॉर्म में उन्होंने बोला कि सब चलो मेरे पास एक एक लाख रुपए हैं मैं पार्टनरशिप फॉर्म को जो है वो बनाऊंगा अब यहाँ पे जो उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है तो वो जो है वो केवल दो ही पार्टनर या तीन पार्टनर जितने भी व्यक्तियों ने मिलकर बनाई है तो उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट हो जाता है कि यदि कोई लॉस होंगे तो वो बहन करेंगे या उसके प्रॉफिट होंगे तो वो शेयर करेंगे इक्वली जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता जितना आपने शेयर उसमें इन्वेस्ट कराया तो केवल उतनी लाइबिलिटीज उसमें डिसाइड होगी तो ये एक आज डिफरेंस के बारे में डिस्कस कि कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर होता है तो सबसे पहला जो है अर्थ के बेसिस पे इसमें अंतर कि कंपनी में और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर होता है सबसे पहले जो है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है जिसमें उनके जो लाइबिटीज़ और ड्यूटीज़ जो है वो डिटरमाइन होती कि वो क्या लाइबिटीज़ होंगी क्या ड्यूटीज होंगी तो वो इसके द्वारा जो है वो डिटरमाइन की जाती हैं तो ये पार्टनरशिप फॉर्म में होता है कंपनी में कि कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें जो है वो स्वामित्व साझा करने के लिए सहमत होते हैं लेकिन इसका प्रबंधन जो है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाया जाता है और इस तरह से ये अर्थ के बेसिस पर पहला अंतर जो है वो पार्टनरशिप में और कंपनी में बताया गया है इसके बाद जो दूसरा अंतर है वो अधिनियम के बेसिस पे या जो विधि बनी है उसके बेसिस बताया गया है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न होती है और जो कंपनी अधिनियम है वो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा गवर्न होता है इसके बाद जो है नेक्स्ट जो अंतर किया गया है वो पंजीकरण के बेसिस पे या रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य नहीं है मीन्स कि रजिस्ट्रेशन यदि आप करा लेते हैं तो जो आपके राइट्स है या किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है तो वो एक बैलेट बन जाता है लेकिन वहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं बताया गया जबकि कंपनी अधिनियम में कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी बताया गया है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है होना ही होना है उसके बाद ही वो बिजनेस अपना कमेंस कर सकते हैं जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है तीसरा जो है वो सदस्यों के बेसिस पे बताया गया कि जो मेंबर्स कितने होंगे पार्टनरशिप में और कंपनी में कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसमें सदस्यों या जो उसके मेंबर्स हैं वो पार्टनर्स के रूप में जाने जाते हैं जबकि एक कंपनी में जो है कंपनी के सदस्यों को शेयर धारक या जो शेयर होल्डर बोलते हैं तो ये एक डिफरेंस बताया गया इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो सदस्यों की संख्या के बेसिस पे जो है इसमें अंतर बताया है कि एक साझेदारी फॉर्म में कम से कम जो है वो पचास सदस्यों की अधिकतम सीमा बताई गई कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में केवल पचास मेंबर्स भी हो सकते हैं और न्यूनतम जो है वो दो कि दो व्यक्ति मिलकर जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बना सकते हैं जबकि एक कंपनी में जो है कि एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम जो है वो सेवन सदस्य होंगे और एक जो प्राइवेट कंपनी है उसमें दो व्यक्ति जो है वो होंगे और इसकी मैक्सिमम जो है वो 200 सदस्यता बताई गई है अब एक नया कंसेप्ट जो है वो इसमें इजाद किया गया है कि वन पर्सन कंपनी तो एक व्यक्ति भी कंपनी को जो है वो फॉर्म कर सकता है तो ये सदस्यता की संख्या पे अंतर किया गया है नेक्स्ट जो अंतर किया गया है वो देयता के आधार पर कि इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है या जो भागीदार होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है मीन्स कि जहाँ पे कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं किसी आउटसाइडर को या किसी व्यक्ति को तो वहाँ पे जो उनके पर्सनल असेट्स हैं उनसे भी उनके उनसे रिकवर किया जा सकता है इसके बाद जो है कंपनी में ऐसा नहीं है इसमें बताया गया है कि जो जो मेम्बर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या डिवेंचर्स होल्डर्स हैं जिन्होंने जितनी गारंटी दी है कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया है तो वो केवल उतनी लाइबिलिटीज़ के लिए लाइबल होंगे उनके जो पर्सनल असेट्स हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है इसके बाद जो है जो लाभ का वितरण क्या होगा मीन्स जो प्रॉफिट हुआ है मेंबर्स को या पार्टनर्स को उसके बेसिस पे भी इसमें अंतर किया गया है अब इसके बेसिस पे इसमें बताया कि कि, कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेंबर्स होंगे वो इक्वली जो है उसमें अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जबकि कंपनी के, के केसेस में ऐसा नहीं बताया गया है कंपनी के केसेस में बताया गया है कि कंपनी के जो मेंबर्स होंगे ठीक है तो उनको जितना सीएस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसके बेसिस पे वो केवल उतना ही उनको देंगे बाकी उसको कंपनी के प्रॉफिट में बोनस या ऐसी चीज़ें जो है वो दी जाती हैं बाकी और कोई ऐसा प्रॉफिट जो है इसमें नहीं दिया जाता है तीसरा जो है नियामक प्राधिकरण के बेसिस पे इसमें अंतर बताया गया है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में यह राज्य सरकार के तहत फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित की जाती है मीन्स जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म है उनके द्वारा जो है वो गबन की जाती है जबकि जो कंपनी है वो केंद्र सरकार के तहत जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके द्वारा जो है वो गबन की जाती है रजिस्टर्ड होती है तो ये अंतर किया गया नेक्स्ट जो है वो दस्तावेजों के बेसिस पे किया गया कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाई जाती है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है इसके बाद जो जबकि कंपनी है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है जो कि एक कंपनी का आवश्यक दस्तावेज है ये अंतर बताया गया नेक्स्ट जो है कि कंपनी जो है पृथक इकाई के बेसिस पे जो है वो अंतर बताया गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कोई डिफरेंट अस्तित्व नहीं होता जबकि कंपनी के केसेस में जो मेंबर्स हैं उनका डिफरेंट अस्तित्व होगा और कंपनी जो है वो उनका अलग अस्तित्व होगा मीन्स कंपनी जो है वो डिफरेंट होगी और जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे इसके बाद जो है वो लेखा परीक्षा के बेसिस पे जो है वो अंतर बताया गया है इसमें जो है कि एक साझेदारी फॉर्म में जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका ऑडिटिंग जो है वो अनिवार्य नहीं है जबकि कंपनी के लिए जो उनका अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका ऑडिटिंग जो है वो मैंडेटरी है कि उनको जो है एवरी ईयर जो है उसका ऑडिटिंग जो है वो कराना आवश्यक है इसके बाद जो है वो प्रबंध के बेसिस पे इसमें अंतर किया गया है कि भागीदार में या जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो स्वयं उसको मैनेज करते हैं या उनका मैनेजमेंट जो है वो स्वयं देखते हैं जबकि कंपनी के बेसिस में जो उसके ट्रेंड मैनेजर्स हैं अकाउंटेंट हैं उनके द्वारा जो है वो एक प्रबंध संचालन जो है वो किया जाता है और जो शेयर धारकों द्वारा जो निदेशक अपॉइंट होते हैं उनके द्वारा कंपनी का संचालन होता है नेक्स्ट जो अंतर किया गया शेयरों का हस्तांतरण इसके बेसिस पर अंतर किया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में किसी अदर भागीदारी की सहमति के बिना वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी अन्य को मीन्स के जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी सहमति जो है वो आवश्यक है जबकि कंपनी के केसेस में ऐसा नहीं है कि जैसे जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास में शेयर्स हैं जिनकी अपनी खुद की पूंजी कंपनी में लगाई हुई तो वो अपने शेयर्स जो है वो किसी अदर्स को जो है वो इजीली या फ्रीली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ये जो है इसके बाद जो है जो बाइंडिंग अप इसके बेसिस पे या जो टन जो है उसके बेसिस पे जो है वो अंतर किया गया कि एक जाति जो फॉर्म है वो म्यूचुअल चे जो पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल कंसर्न चे जो है उसका समापन हो सकता है जबकि कंपनी जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही समाप्त होगी या जो उसमें प्रक्रिया बताई गई है उसके द्वारा मीन्स की जैसे कोई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स उसके द्वारा समाप्त होगी या जो लिक्विड एटा से या जो कंपनी अधिनियम के प्रावधान है उनके द्वारा ही समाप्त होगी जबकि एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनर्स के द्वारा समाप्त हो सकती है नेक्स्ट जो है वो निरंतरता के बेसिस पे जो है वो इसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में बताया गया कि यह किसी भी जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी मृत्यु रिटायरमेंट या दिवालियापन होने से वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी जबकि कंपनी जो है ऐसा इसमें नहीं होता इसमें कोई भी शेयर धारक की मृत्यु हो जाए या दिवालिया हो जाए या शेयरों का हस्तांतरण हो जाए तो कंपनी जो है वो एग्जिस्ट रहती है क्योंकि कंपनी जो है वो लीगल एंटिटी है लॉ के द्वारा बनाई गई है तो लॉ के द्वारा ही समाप्त होगी अन्यथा जो है वो कंटिन्यू जो है उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा इसके बाद जो है वो निगम मुद्रा या जो कॉमन सील उसके बेसिस पे अंतर बताया गया है कि एक साझेदारी फॉर्म को किसी मोहर की या कॉमन सील की आवश्यकता नहीं होती जबकि कंपनी को कंपनी की एक कॉमन सील होती है क्योंकि एक कॉमन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है और उस कॉमन सील की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो ये ये भी इसमें अंतर बताया गया इसके बाद में जो है नाम में परिवर्तन के बेसिस पे भी इसमें अंतर किया गया है कि साझेदारी फॉर्म सभी भागीदारों की सहमति से अपना नाम आसानी से बदल सकती है जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है कंपनी में यदि कंपनी के नाम को परिवर्तन करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यकता है आवश्यक है और जो कंपनी अधिनियम में प्रावधान बताए गए हैं उनके अनुसार जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और कंपनी अपने जो मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं या अदर जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा कि कंपनी के नाम में उसको परिवर्तन करना है तो ये इसके बेसिस पर भी इसमें अंतर बताया गया है नेक्स्ट अंतर है पूंजी की आवश्यकता के बेसिस पे कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कोई मिनिमम जो है वो पूंजी की आवश्यकता नहीं होती जबकि कंपनी के लिए मिनिमम पूंजी की आवश्यकता होती कि एक निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए मिनिमम जो है वो एक लाख रुपए की आवश्यकता होती जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम जो है वो पाँच लाख पूंजी की आवश्यकता होती है कैपिटल की आवश्यकता होती है जब ही वो कंपनी एग्जिस्ट करती है इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी में अंतर बताया गया है अब जो है वो कंपनी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कंपनी जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो है इसमें जो है विभिन्न प्रकार से या विभिन्न आधार पर कंपनी में अंतर किया गया है फर्स्ट जो अंतर है समामिल्स के आधार पर अंतर किया गया है इसमें जो है वो तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं पहला जो है वो चार्टर्ड कंपनी चार्टर्ड कंपनी वह कंपनियां होती हैं जैसे कि रॉयल या विशेष चार्टर द्वारा जो कि ब्रिटिश राजा या जो कीन होती है उनके द्वारा पारित किया गया हो मींस स्टैचूट के द्वारा वो कंपनी बनाई गई हो उदाहरण के लिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस तथा हॉलैंड की डच इंडिया कंपनी आदि चार्टर्ड कंपनियाँ हैं ऐसी कंपनियां जो स्टैचूट के द्वारा बनाई गई हैं वो स्टैचूटरी कंपनी या चार्टर्ड कंपनी जो है वो कही जाती है दूसरा जो है इसका प्रकार कंपनियां। कंपनियां केंद्र या राज्य मंडल विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा इनकोपरेटेड होती हैं। इन कंपनियों का उद्देश्य क्षेत्र अधिकार तथा तो दायित्व का स्पष्ट वर्णन उस स्टैचूट में किया जाता है मीन्स जो स्टैचूट पास किया है राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने तो उस स्टैचूट में उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा क्या स्कोप होगा क्या उसके जोडिक्शन होगा क्या उसकी लाइबिटीज़ होगी तो वो पूरा उस स्टैचूट में मेंशन होगा तो उसको अपन स्टैचूटरी कंपनी या वैधानिक कंपनी बोलते हैं जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय एल भारतीय खाद्य निगम ये सारी कंपनियां जो वो स्टैचूट के द्वारा बनाई गई हैं और वो स्टैचूट के द्वारा ही गवर्न होती हैं तीसरा प्रकार है पंजीकृत कंपनियां, मीन्स रजिस्टर्ड कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा या इसके पूर्व में जो अधिनियम पारित किया गया उनके द्वारा पंजीकृत हो तो वो रजिस्टर्ड कंपनियाँ होंगी दूसरा प्रकार है दायित्व के आधार पर कि मीन्स की कंपनियों का या जो उनके मेंबर्स हैं उनका क्या दायित्व होगा तो उसके बेसिस पर भी इसमें अंतर किया गया है पहला जो इसमें अंतर किया गया है अंशों द्वारा निर्मित कंपनियां मीन्स ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड हों किसके द्वारा अंशों के द्वारा कि जब कंपनी के सदस्य का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के न चुकाए गए मूल तक सीमित होता है तो इसे सीमित दायित्व वाली कंपनी या अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं तो ये अंशों द्वारा या कंपनी लिमिटेड बाय सीएस कि ऐसी कंपनी वो केवल सीएस के द्वारा लिमिटेड है कि जितना आपने सीएस लिया है वो उतनी उनकी लाइबिलिटीज है तो ये फर्स्ट इसका लाइबिटीज के बेसिस पर सेकेंड जो है प्रत्यभूति या गारंटी द्वारा निर्मित कंपनियां ऐसी कंपनी जो जिसने इन्वेस्ट कराया कंपनी में या जिसने गारंटी दी है तो वो गारंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनी होगी कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्य का दायित्व कंपनी को गारंटी दे देते हैं कि उसकी सदस्यता के समय या सदस्यता समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर कंपनी समाप्त हो जाए तो वह कंपनी एक निश्चित राशि देंगे मीन्स जो गारंटी दी है कंपनी ने जिसने इन्वेस्ट करा तो वो उसके लिए वो गारंटी तो प्रतिभूति या गारंटी द्वारा कंपनियाँ होती तीसरा प्रकार है असीमित दायित्व वाली कंपनियाँ कि असीमित दायित्व वाली कंपनियाँ वह वा है कंपनियाँ हैं जिसमें जो है जो उनके मेंबर्स हैं उनकी अनलिमिटेड दायित्व या असीमित जो है वो लाइबिलिटीज होती है मींस आप जो है, जो है उनके जो पर्सनल असेट्स हैं उनसे भी उनको रिकवर किया जा सकता है कि जहाँ पे कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं आउटसाइडर को या किसी अन्य व्यक्ति को तो वहाँ पे जो है वो उनके पर्सनल असेट्स से वो लॉसेस जो है वो रिकवर कर तो इस प्रकार से दायित्व के आधार पर तीन प्रकार की कंपनियाँ होती हैं नेक्स्ट सदस्यों की संख्या के आधार पर इसमें अंतर किया गया है इसमें जो है प्राइवेट या निजी कंपनी और लोक कंपनी तो सबसे पहले जो है वो प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या होती प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम एक लाख रुपए हो या इससे अधिक पूंजी जो अंतर नियमन द्वारा निर्धारित की गई हो इसमें जो है जो नया कंपनी अधिनियम 2013 है इसमें जो है वो चेंजेस किए गए हैं जिसमें बताया कि एक कंपनी जिसकी मिनिमम जो है वो वन लाख रुपीस उसकी टोटल कैपिटल्स हो तो वो प्राइवेट कंपनी हो और जिसका जो पूरा उसके जो इससे अधिक जो पूंजी है जो अंतर नियम द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं तो उसके द्वारा वो बताई गई इसके बाद जो दूसरा इसका प्रकार है लोक कंपनी लोक कंपनी जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार परिभाषित की गई है ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है या ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो है वो पांच लाख या इससे अधिक है या ऐसी कंपनी जो अंशों या ऋण पत्तों डिबेंचर को क्रय हेतु मार्केट में जो है वो उतारती है या ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात है तथा तो अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसका जो है अंशों का हस्तांतरण फ्रीली जो है वो किया जा सकता है और ऐसी कंपनी के आगे पीछे जो है वो लिमिटेड शब्द जो है वो जोड़ना आवश्यक है जब कंपनी बनाई गई है जबकि प्राइवेट जो कंपनी है उसमें जो है वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो है वो उसके आगे पीछे जोड़ना आवश्यक है इसके बाद जो दूसरा अन्य जो अंतर बताया गया वो प्रबंधन और नियंत्रण के आधार पे इसमें जो एक कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है या कंट्रोल होता है तो उसके आधार पर भी कंपनी के डिफरेंस किया गया है कि जिसमें कंपनी के प्रबंध नियंत्रण से आशय उनके निदेशक मंडल या अंशों को धारित करने या दोनों से है इस आधार पर कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है एक तो होती है लिस्टेड कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लिस्ट की गई हो ऐसी कंपनी और जिसकी दूसरी कंपनी जो दूसरी कंपनी होती है हो उस पर उसका नियंत्रण हो या कंट्रोल हो इसके बाद जो है सहायक कंपनी मीन्स सब्सिडरी कंपनी सहायक कंपनी वह कंपनी है जिसका नियंत्रण अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है उसे अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है मीन्स कि ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है मीन्स उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो जो अदर कंपनी है वो देखती है इसके लिए कुछ उन्होंने शर्तें बताई कि यदि उसके संचालक मंडल को अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रण किया जाता है आधार दूसरी कंपनी को उसमें संचालक की नियुक्ति या हटाने का अधिकार है या उसका पूरा मैनेजमेंट देखने का अधिकार है दूसरी कंपनी उसके आधे से अधिक जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको होल्ड करती है तो वो उसकी सहायक कंपनी होगी तो इस तरह से इसमें कंपनी के प्रबंध के और नियंत्रण के आधार पर इसके प्रकार बताए हैं नेक्स्ट जो है अंतर बताया गया स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व मीन्स ओनरशिप के बेसिस पे जो है वो इसमें अंतर किया गया है स्वामित्व से आशय जो उसकी होल्डिंग कैपिटल है उसके अनुपात से किस आधार पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया है फर्स्ट जो है वो सरकारी कंपनी या जिसको अपन गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं और दूसरा जो है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी या गैर सरकारी कंपनी पहला जो है सरकारी कंपनी सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें जो है सरकार का इक्यावन परसेंट शेयर जो है वो उसमें लगा हुआ है या शेयर जो है वो सरकार जो है वो होल्ड करती है या ऐसी कंपनी जो केंद्र द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हो या उसका कंट्रोल हो या उसमें फिफ्टी वन परसेंट से ज़्यादा शेयर हो या ऐसी कंपनी जो अंशता केंद्र सरकार से और अंशता जो है वो राज्य सरकार द्वारा धातव्य है कि सरकारी कंपनी की कोई सहायक कंपनी भी होगी जिसमें उसका होल्डिंग है सरकार का तो ये सरकारी कंपनी होगी सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें सरकार का इक्यावन परसेंट से जो है वो उसमें इन्वेस्ट हो अब गैर सरकारी कंपनी गैर सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिनका पंजीकरण तथा समामलेसन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ है परंतु वह सरकारी कंपनी नहीं है तो उसे गैर सरकारी कंपनी कहते हैं मीस ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का जो है वो कोई कंट्रोल ना हो या 51 वन परसेंट शेयर से ज़्यादा मीन्स 49 परसेंट शेयर जो है या 51 परसेंट जो है वो प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा होल्ड है तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनियां होंगी नेक्स्ट जो है वो राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता के आधार इस पे अंतर किया गया है कंपनी की का निर्धारण उसके जो समालेशन या इनकोपरेशन है उसके बेसिस पे किया जाता है कि नागरिक की तरह कंपनी की भी एक नागरिकता होती है कि जैसे हमारी एक नागरिकता है वैसी कंपनी की भी एक नागरिकता होती है और ये नागरिकता जो है उसके के बेसिस पर डिसाइड की जाती है इस आधार पर कंपनी को दो प्रकार से बांटा गया है विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी। विदेशी कंपनी वह कंपनी है जिसका या समामेलन विदेश में हुआ है लेकिन वो जो है वो व्यवसाय जो है वो भारत में करती है तो वहां पे जो है वो विदेशी कंपनी होगी दूसरा है भारतीय भारतीय मीन्स ऐसी कंपनी जो इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो और जिसका इनकॉपरेशन जो है वो यहां पे हुआ उसका ऑफिस स्टोर भंडारण सारी चीजें जो है कंट्रोल रजिस्ट्रेशन वो सारी चीजें जो है वो भारत में हुई तो वो भारतीय कंपनियों की इस तरह से इसके अलावा भी अन्य आधार पे कंपनियों का के प्रकार बताए गए हैं फर्स्ट जो है लाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ या बिना लाभ वाली कंपनियाँ मीन्स नॉन प्रॉफिट वाली कंपनियाँ और लाइसेंस होल्डर कंपनियाँ इस प्रकार की कंपनियों की संगठन या कंपनी की स्थापना दान विज्ञान वाणिज्य कला खेल संस्कृति के विकास के लिए की गई है सामान्यतः ऐसे संगठनों का वाणिज्यिक स्वभाव नहीं होता ना कि इनका कोई एक उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो इस तरह की कंपनी जो है वो लाइसेंस प्राप्त कंपनियां या बिना लाभ वाली कंपनियां हैं मींस ये कॉमर्शियल कंपनियां नहीं होती ये केवल चैरिटी कला खेल संस्कृति इनके प्रोत्साहन के लिए स्टैब्लिश की जाती हैं तो ये लाइसेंस या लाइसेंस प्राप्त या बिना लाभ वाली कंपनियां होती है नेक्स्ट जो है वो एक व्यक्ति कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है एक व्यक्ति कंपनी को भी शामिल किया गया है कि एक व्यक्ति कंपनी प्राय प्राइवेट कंपनियां होती हैं लेकिन जो है एक व्यक्ति जो है इसको निर्माण कर सकता है और इसकी औपचारिकताएं पूरी कर सकता है उसका इनकोपरेशन लेकिन इसके लिए जो है उसको एक अन्य मेंबर्स की जो है वो आवश्यकता होती है उसकी कंसेंट आवश्यकता होती है कि कि जब कंपनी का बाइंडिंग अप हो तो वो पूरी कंपनी को टेक ओवर ले सके तो ये वन पर्सन कंपनी के आधार पर इसमें तो इस तरह से ये अन्य जो है वो कंपनियां होती हैं अन्य प्रकार की कंपनियां होती हैं तो इस तरह से ये कंपनियों के प्रकार बताए गए अब जो है एक लोक कंपनी और लिजी कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक लोक कंपनी में क्या अंतर है और एक प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है अब इन अंतरों को निम्नलिखित प्रकारों से बताया जा सकता है कि एक लोक कंपनी जो है वो उसमें कम से कम जो है वो सात मेंबर्स जो है वो होने चाहिए जबकि जो निजी कंपनी है उसमें कम से कम जो है वो दो मेंबर्स होने चाहिए और जिसकी अधिकतम जो है वो पचास संख्या हो सकती है जबकि एक पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई मेंबरशिप नहीं बताया उसके अनलिमिटेड मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं मिनिमम सात जो हैं और मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं दूसरा जो एक लोक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर बताया गया है कि एक निजी कंपनी या लोक कंपनी के लिए कम से कम जो है वो तीन संचालक मीन्स तीन डायरेक्टर जो है वो आवश्यक हैं जबकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम जो है वो दो डायरेक्टर रख सकते हैं तीसरा जो अंतर है कि इसमें सभा के लिए कार्यबक संख्या जो है वो पाँच होती है कि मतलब जो कोरम है मीटिंग के लिए वो कम से कम जो है वो पाँच जो है वो उसके लिए होना चाहिए जबकि निजी कंपनी में जो कार्यबक सदस्य संख्या है वो दो होती है कारवाहक संख्या जो है वो दो होती है लो कंपनी जो है उसके लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपलसरी होता है या मैंडेटरी होता है जबकि जो एक निजी कंपनी है उसके लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो जरूरी नहीं होता लो कंपनी जो है वो अंशों का स्वतंत्र हस्तांतरण कर सकती है जबकि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयरों का स्वतंत्र जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है कंपनी के लिए शेयर वारंट जारी करना आवश्यक है जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए शेयर वारंट जारी करना आवश्यक नहीं है जैसे जो पब्लिक कंपनी उसके पीछे जो है वो लिमिटेड शब्द जोड़ना अनिवार्य है जबकि जो प्राइवेट कंपनी उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड शब्द जो है वो जोड़ना आवश्यक है अब जो है डिस्कस करते कि जो कॉपरेट पर्सनालिटी है एक, एक डॉक्ट्रिन है जिसमें बताया गया कि कंपनी जो है वो कल्पना या आर्टिफिशियल आट, के बेसिस पे एक फिक्शन है जुरिस्फिक्षन्स क्यों है क्योंकि ये जो है वो स्टेचूट के द्वारा या लॉ के द्वारा बनाई जाती है जिसमें जो है वो इसमें इसके बताया अब कॉपरेट व्यक्ति एक ऐसी पहचान की गई है या ऐसी कल्पना है जिसे अपन आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं कि जैसी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है या इनकोपरेटिड होती है तो वो एक विधिक व्यक्तित्व का जो है वो गामा पहन लेती है और उसमें जो है उसके पर्पिचुअल सक्सेस उसके सारे राइट्स या सू करने का राइट उसमें सम्मिलित हो जाते हैं इसीलिए जो है वो एक कॉपरेट पर्सनालिटी जो है वो बन जाती है कि जैसी कंपनी इनकोऑपरेटिट हुई तो वो एक लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी जो है वो बन जाती है जिसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस जो है वो उनके मेम्बर से होता है तो इसको अपन कॉपरेट पर्सनालिटी बोलते हैं अब ये जो कॉपरेट पर्सनालिटी बनी या रजिस्टर्ड हुई जिसका मेंबर से अलग हुआ तो यहाँ पे जो है कि जब कोई ऐसी अनियमितता कंपनिया में होती तो कंपनी जो है उसके जो कॉपरेट बिल है उसको जो है कोर्ट को पावर से पावर है कि वो उसको उस बील्स को हटा सकती है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमम होने पर जो कॉपरेट बिल्स है या जो पर्दा कंपनी में पड़ा हुआ है तो उसको हटा सकती है कोई ऐसी अनियमितताएं हैं या टैक्स के बेजेंस किया गया है या कोई अन्य ऐसी इंसिडेंट किए गए हैं जो कंपनी के अगेंस्ट हैं या जो उनके मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट हैं तो वहां पे जो उसकी कॉपरेट बिल है उसको हटा दिया जाएगा और इसको जो है फर्स्ट टाइम जो है वो सालुमन बनाम सालुमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में सॉल्व किया गया था इसमें क्या था कि सालुमन एक चमड़ा व्यापारी था व्यापार उसका सही चल रहा था उसने एटीन में एक कंपनी जो है वो स्थापित की थी जिसमें जो है उसने सारे शेयर्स जो है वो अपने खुद के लिए और जो उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो है वो सारे शेयर्स जो है वो ले लिए थे और खुद जो है उसने वो एक सिक्योर क्रेडिटर्स जो है उस कंपनी का बन गया अब कंपनी ये चली नहीं जैसी चली नहीं तो वहाँ पर जो है जो उसके अनसिक्योर क्रेडिटर थे उन्होंने कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप हो गई तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट था, था, था उसने सोलूमन के अगेंस्ट में केस फाइल किया कि इन्होंने जो है वो कंपनी में अनियमितताएँ की और ये कंपनी जो है वो वन से होती थी कि सालूमन के, के द्वारा ही गवन होती थी इसीलिए जो है उनकी जो देनदारियाँ हैं वो उनके लिए लाइबल नहीं हो तो इसमें जो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो कंपनी है वो उसका अलग एग्जिस्टेंस है और जो मेंबर्स हैं उसका अलग एग्जिस्टेंस है मीन्स कंपनी जो है वो सेपरेट एंटिटी है या कॉपरेट पर्सनालिटी है कि उसके मेंबर्स का अलग एग्जिस्टेंस होता है और उसके जो कंपनी है उसका अलग एक्जिस्टेंस है तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो अनसिक्योर क्रेडिटर थे उनसे पहले जो है वो सॉलूमेंट के जो लाइबिलिटीज हैं उनको डिटरमाइंस किया जाएगा या डिसाइड किया जाएगा तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सालुमेंस के फेवर में दिया इसके बाद जो है कुछ ऐसी कंडीशंस बताई हैं परिस्थितियाँ बताई हैं जहाँ पर कॉपरेट बिल्स को हटाया जा सकता है या निम्न परिस्थितियों में कंपनी के जो कॉपरेट बिल है उसको हटाया जा सकता है फर्स्ट जो है कि जब किसी निगम का कानूनी चरित्र निर्धारण करना आवश्यक हो दूसरा जो है कोई ऐसे राजस्व लाभ जो है उसमें दिए जा रहे हो और जब कंपनी को कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए कल्पना की हो और इसे आगे बढ़ाया गया हो एजेंसी या ट्रस्ट या औपचारिकता और खर्च और वैधानिक प्रावधानों के तहत जो है वो कॉपरेट बिल्स को ट्रिब्यूनल्स को पावर के इन कंडीशंस पे जो है वो कोर्ट कंपनी के बिल्स को हटा सकती है मीन्स कि जो उनके मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं उनने या जो मैनेजर्स हैं उनने कोई ऐसे अनियमितताएँ की हैं राजस्व के लाभ के लिए वो करा है तो वहाँ पर जो है कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि वास्तविक जो है व्यक्ति कौन है जिनके पीछे कंपनी को लॉसेस हुआ तो इसके केसेस पे कंपनी जो है उस कॉपरेट बिल्स को हटा सकती है इसके अलावा कुछ कंपनी अधिनियम जो है उसमें भी इसके प्रावधान बताए गए हैं कि जो वैधानिक न्यूनतमता से नीचे यदि कोई सदस्य कम हुए तो वहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल्स जो है उसके कॉपरेट बिल्स को हटा सकती है या नाम का अनुचित तो उपयोग किया है तो इसके बेसिस पे वो उसके हटा सकती है इसके अलावा व्यवसाय में कपटपूर्ण संचालन के लिए हटा सकती है कि कोई कपटपूर्ण संचालन जो है वो उसका किया गया है कंपनी का या बार बार ऐसी कोई मिस्टेक करी जाती है उनके मेंबर्स के या जो मैनेजर स्टाफ है तो इसके बेसिस पे भी कोर्ट को पावर है कि जो उसकी कॉपरेट बिल है कंपनी की उसको हटा सकती है इसके बाद उन्होंने बताया कि कंपनी जो है वो एक नागरिक नहीं है कि जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो नागरिक होता है वैसे जो है वो सारे राइट जो है वो उसको नहीं दिए या कंपनी जो है वो नागरिक नहीं होगी तो इसको जो है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमेट बनाम बिहार राज्य के मामले में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि कंपनी जो है भले एक व्यक्ति है या पर्सनालिटी है लेकिन जो है वो एक सिटीजन नहीं है कि जो को सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक कंपनी को उसमें प्रोवाइड्स नहीं किए गए तो ये इस केस में डिसाइड किया गया कि, कि एक नागरिक की तरह वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो होल्ड नहीं कर सकती है इसके बाद जो एक और केस था स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस बी वाणिज्य कर अधिकारी जिसमें जो है जो कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कंपनी जो है वो एक नागरिक तो है लेकिन जो अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको धारण नहीं कर सकती है क्योंकि जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है सेपरेट लीगल एंटिटी है व्यक्तित्व तो है लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो है वो जो पार्ट तीन में बताए गए हैं वो धारण नहीं कर सकती है इसके बाद जो है टेलको बना बिहार राज इसके मामले में भी बताया गया कि, कि जो कंपनी थी तेरह के अंतर्गत जो एक ट्रज डीजल या स्पेयर पार्ट्स के निर्माण के लिए व्यवसाय से संबंधित थी अब कंपनी के डीलर को उत्पाद बेचती थी और पूरे भारत में अपना कारोबार संचालित करती थी कि जहाँ पर कोई अनियमितताएँ है, हुई हैं तो उसके बेसिस पर जो है कंपनी की जो कॉपरेट बिल है उसको हटाया इसके बाद जो है गिल्फर्ट मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेज हॉन इस मामले में भी कि एक हॉन ने एक कंपनी बनाई थी कि उसमें एक कॉन्टैक्ट था कि वो प्रीवियस कंपनी थी उनके कस्टमर को सॉलिसेट नहीं करेंगे लेकिन गिल्फर्ट जो है वो उनको सॉलिसट करने के पर्पज़ से उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसमें जो है उसकी वेदर्स और गिल्फर्ट और उनकी बाइफ जो है वो उस कंपनी में थी तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो कॉपरेट बिल है उसको हटाया जाना चाहिए इस तरह से कंपनी क्या है उसका क्या क्या प्रकार हैं कंपनी के और कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं कॉपरेट व्यक्तित्व है तो इस पूरे लेक्चर में या व्याख्यान में इसके बारे में बताया गया है कंपनी अधिनियम के धन्यवाद